ही आ गए हम धनबाद। सो तो है अमित भाई, जो धनबाद है ये यहाँ का एक संपन्न जिला है, क्योंकि यहाँ कोल्स माइंस है और यहाँ की औरतों ने यहाँ की विरासत और संस्कृति को बड़े संभाल के रखा है। कम ऑन अमित, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे सब पता है। अच्छा तो तुम ये बताओ कि भारत के नक्शे पे जो झारखंड है ये कब आया? 15 नवंबर 2007। भैया ये धनबाद गेस्ट हाउस छोड़ दोगे? छोड़ देंगे सर। कितना पैसा? 150 रुपया दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, बैठो। अमित, साक्षरता ज्ञान ने यहाँ की औरतों को अपनी उम्मीद को पूरा करने दिया। अच्छा वो लिस्ट तो निकालो जिसमें हम देखेंगे किस किस लोगों से मिलना। बिल्कुल अमित, सबसे पहले तो हम मिल रहे हैं यहाँ शीला देवी से। अच्छा। और उसके बाद कुंती देवी, वृंदा देवी और बहुत से लोग हैं। तेत्री देवी? हाँ हाँ। अरे बस बस बस, मैं पहले ही बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे उन लोगों से मिलने के लिए थोड़ी उत्सुकता तो बची रहने दो। बिल्कुल अमित बिल्कुल। अरे वाह क्या खूबसूरत प्राकृतिक नजारा है। अरे वाह हिमा वाह, तुमने सही कहा था, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। सच में अमित, अमित देखो कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, कितने घने जंगल, ये सब देख करके तो मन खुश हो गया। इस खूबसूरत जगह को देख के मेरी तो सारी थकानी उतर गई यहाँ। वाकई अमित। अरे वो देखो, वो औरतें धान काट रही हैं। बड़ी मेहनत का काम है ये, शहरियों के बस की बात नहीं है। क्यों अमित, तुम्हें क्या लगता है कि औरतें मजदूरी नहीं कर सकती? जरा ढंग से और आप खोल कर देखो कि औरतें क्या नहीं कर सकती। ओह गॉड, हो गया तुम्हारा लेक्चर शुरू। बिना अमित सर बहस ही करना चाहते। हाँ बाबा ठीक। दूसरा महीना का 10 रुपया, फिर हो गया 110 रुपया, फिर फूल हो गया 120 रुपया, फिर तीसरा महीना उसका 10 रुपया दिए तो 130 रुपया हुआ। नवंबर महीना का पैसा लाए हैं? हाँ, आपका तो ये महीना पैसा है 10 रुपया, और जो हम अगला महीना लिए थे ना 100 रुपया सूद के ऊपर। अच्छा अच्छा। मेरा बच्चा बीमार था तो हम लिए थे ना, तो लीजिए 2 रुपया सूद पैसा। अच्छा, ऋण जो लिए थे और 100 रुपया। ठीक है जो कर दे रहे हैं। हाँ लीजिए पासबुक। शीला जी, आज ये जो मीटिंग है ये किस बारे में? मीटिंग के लिए हम लोग पहले ही नियम बना हुआ है हम लोग का कि हर महीना के 1 तारीख को सबों को आना ही है, नहीं तो फाइन लगेगा। हम लोग जो भी दुख बीमार में पड़ते हैं उस समय हम लोग इस पैसा से हम लोग उनको देते हैं कम सूद में। महाजन के पास बहुत ही लेता है, सैकड़ा में 10 रुपया, और यहाँ पे आसानी सैकड़ा में हम लोग 2 रुपया में दे देते। और वहाँ है कि बहुत उसके पास पैर पकड़ना पड़ता है। पहले बोलते थे वैसे नहीं देता है, कोई सामान दिखाइए या खेत दीजिए, कोई बीमार पड़ गया वैसा। तो हम लोग सोचे इस समूह बनाने के लिए सोचे, और इसी कोई भी अब बच्चा का किताब खरीदना हो, कोई बीमार पड़े, कोई भी कुछ हो तो आसानी से यहाँ पे
कोई पैर ना पकड़ना पड़े किसी महाजन के पास, दूसरों के पास, आसानी से यहाँ पे मिल जाता है हम लोग को ये पैसा। वो तो पहला हम लोग को फायदा मिल रहा है, दिखाई पड़ रहा है। साबुन बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग किए थे, तो यहाँ पे ट्रेनिंग हम लोग दिए, ब्लॉक स्तर में हम लोग ट्रेनिंग दिए थे। इसके बाद फिर समूह की महिलाएं यहाँ पे अपने से साबुन बनाई। यहाँ आपका ये महिला समूह कौन कौन सा काम करता है? पत्तल का बिजनेस होता है, वो कच्चा हम लोग का पहाड़ से अपने से लाती है महिलाएं, और वो लोग एक जगह बैठती है और निकाल के 12 बजे के समय में थोड़ा बैठना है और सबको पत्तल टिपना है। बस एक सप्ताह के अंदर में वो 1000 पत्तल तैयार हो जाता है, फिर वो लोग बेचती है वहाँ। आप लोगों की आगे प्लानिंग क्या है? हम लोग का आगे का प्लानिंग है सर, कैसे हम लोग रोजगार के दिशा में इसमें हम लोग पहल करें अच्छा से, ताकि हम लोग इसको ठीक से कर पाए। लेकिन यहाँ बिजली का समस्या है, वो भी सोच रहे हैं। तो यहाँ बिजली आने से वो सब चल सकता था हम लोग का, तो वो भी फेलियोर कर रहा है, बिजली नहीं है। विशेषकर आदिवासी में, हरिजन में, अल्पसंख्यक में ये लोग स्कूल बहुत कम जाते थे। उसमें से मैं इसको देखता था कि यहाँ से एक लड़की खेत से होते हुए छोटी सी लड़की बराबर स्कूल जाती है, तो वहीं से हमारा इस पर टारगेट हो गया कि इसको हम कहीं कुछ समाज के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। हमारा टारगेट वहीं से स्टार्ट हुआ, एक लड़की स्कूल जाती है हाई स्कूल की और टुंडी जाती है। ऐसे समय में जबकि कोई लड़की आदिवासी को मैं स्कूल जाते हुए नहीं देखता, एक आदिवासी लड़की स्कूल जाती है और एक सॉबर तरीके से, हमको लगा कि ये लड़की कुछ तो अलग है, अलग हटके है कि समाज में कुछ कर सकती है। उसके बाद दूसरे का तकलीफ देख के तकलीफ महसूस होना, ये भी हम देखा, हम सामने दिया कि दूसरे का कष्ट को अपना कष्ट समझती थी, किसी को मदद करने के लिए आगे बढ़ जाती थी। तो ये ट्रेंड हमको लगा, तो इसी बीच में ये अनौपचारिक शिक्षा के साथ में जोड़ते हुए ये काम हम लोग कर ही रहे थे 90 के आसपास, और इसके साथ में इसको हम लोग एजुकेशन के, अपना एजुकेशन को भी सब बढ़ाते रहो, इसी बीच इंटर पास करना, और उसी बीच में लिटरेसी अभियान धनबाद में 90 के आसपास धनबाद में लिटरेसी अभियान स्टार्ट हुआ। तो उसमें जो लिटरेसी अभियान शुरू हुआ वो प्रॉपर इस जगह पर स्टार्ट नहीं हुआ, वो धनबाद जिले के 5 पंचायत में, एक चपकिया पंचायत में हुआ। तो चपकिया पंचायत यहाँ से हमको लगता है कि कम से कम 18-20 किलोमीटर दूर होगा, तो 18-20 किलोमीटर दूर में लिटरेसी का वर्क करने के लिए हमने इसको ऑफर किया कि क्या तुम ये समय दे सकती हो, 18 किलोमीटर जाके यहाँ पर मैंने ये कर सकती हो? तो उसने बोला कि हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बोलने का क्षमता था, समझाने का क्षमता उस समय विकसित हो चुका था। इसको हम लोग मैंने गाँव में क्योंकि जहाँ काम कर रहे थे ज़्यादा आदिवासी थे, तो उनके बीच हिंदी में बात करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसको समझाने के लिए पहला ये महिला निकली जो आदिवासी महिला के बीच में बात करके समझाने के लिए कि लिटरेसी प्रोग्राम क्या है। आदिवासी औरतों के सामने कैसे मतलब बोलती थी, कैसे उनको प्रेरित करती थी और कैसे वो लोग उनकी बात सुन लेते थे? महिलाओं को बड़ा अच्छा स्टार्ट करती थी कि महिलाएं कि सबसे पहले कौन सुबह उठता है, महिलाएं उठती है, सबसे लास्ट में कौन सोता है, महिलाएं सोती है, सबसे लास्ट में कौन खाना खाता है, महिलाएं खाती है बचा उचा। तो ये लगता था लोगों को कि तो ये होता है, मैंने इंटरेक्ट करता था। और सबसे कम भोजन किसको मिलता है, कपड़ा पैसा बचता कि नहीं बचता, उसके अलावा भी जो आदिवासी में कल्चर है कि हस्बैंड जो कमाता है वो पी पा दारू पीने के बाद जो बचता है तभी वाइफ को देता है। अच्छा ज्ञान जी, अगर मैं आपसे एक वाक्य में पूछूं तो आप शीला जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शीला मुनि टुडू विपरीत परिस्थितियों में एक जूझने वाली महिला है, कभी हिम्मत नहीं हारती, जूझना चाहती है और हर समय सीखने का उसको ललक है कि हम कैसे नया चीज सीखें। शीला जी का अपना परिवार है, वो जिम्मेदारी संभालना, साथ ही ये समाज की जिम्मेदारी संभालना, गांव-गांव जाके साक्षरता का ज्ञान देना, तो इतनी आत्मशक्ति उनको कहां से मिली? वो समस्या ही शक्ति पैदा की, जो समस्या है ना वही शक्ति पैदा किया। शीला जी, आज आपने बहुत नाम कमाया है, सभी लोग आपको जानते हैं आपके गांव में, लेकिन मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा।
बचपन सर हम लोग बहुत गरीब थे, यहाँ तक कि हम लोग का जो खाना पीना भी नहीं जुट पाता था। हम लोग मात्र 3 महीना धान जो खेती होती है वो मात्र 3 महीना ही चलता है, इसके बाद हम लोग को इधर उधर से मजदूरी बोलिए या कुछ भी करके हम लोग खाना पीना चलता था। यही स्थिति था तो बहुत मुश्किल से हम पढ़े, 5वां 6ठा पढ़े। इसके बाद जैसे ही मिडिल स्कूल गए वहाँ पे हमको किताब उताब खरीदने के लिए भी बहुत मुश्किल। 9th में गए तब एडल्ट एजुकेशन शुरू हुआ, तो वहाँ पे 2 जन आए, वहाँ बोले कि आप पढ़ा सकते हैं, तो हम बोले कि हाँ हम पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ एडल्ट एजुकेशन चलाने लगे यहाँ पे, तो 50 रुपया मात्र उसका भी, 50 रुपया मंथली था और लालटेन और क्रासन तेल मिलता था यही। तो उसको भी हम पैसा को इतना महत्व देते थे कि कुछ भी पैसा हम कैसे करके कमाएंगे और माँ बाप को मदद कर पाएंगे। तो वही जो शुरुआत हुई और मैं 10-15 लड़की लोग को मेरे बेंच की थी उन लोग को मैं पढ़ाने लगी, और पढ़ाने मेरा सेंटर कहीं भी नहीं चलता था कि नहीं हमें अच्छे से चलाएं। और वहाँ से शुरुआत हुई और वहाँ से करके वही पैसा से किताब उताब खरीदने के लिए हमको मदद मिला, और आगे पढ़ने का बहुत इच्छा, माँ बाप का भी इच्छा था कि आगे पढ़ाएंगे, सहयोग माँ बाप से भी मिला। कपड़ा तो मात्र एक ही मेरा होता था कि उसी को पहनना उसी को आना, फिर वो मिडिल स्कूल में हमको ड्रेस मिला तो उससे फिर मदद हुआ। बहुत ही गरीबी जिंदगी से हम जी के आगे बढ़े। शीला जी आपके माँ बाप ने भी काफ़ी संघर्ष किया, तो उन्होंने आपकी पढ़ाई के लिए क्या किया? मेरा पापा किसी के यहाँ बगाली करके वो जिए हैं, तो वो बहुत सोचते थे कि अगर पढ़ा लिखा हम होते तो हम भी कुछ कर सकते थे। तो वो कुछ नहीं, वो बगाली करके खाना पीना मजदूरी करके ही वो खाना पीना उसका होता था। तो उन माँ बाप पापा का भी इच्छा था कि उन बेटी को हम पढ़ाएंगे। शीला जी आपकी माँ का क्या महत्व रहा आपके जीवन में? वो भी सोचती थी कि हम नहीं पढ़े तो अपना बेटी को पढ़ाएंगे, हरदम वो पढ़ाने के लिए वो आगे लाई हमको। अच्छा, घर वालों ने तो आपको प्रेरित किया ही, इसके अलावा ऐसा कौन सा आदमी था जिसने आपको इस काम के लिए प्रेरित किया? ज्ञान भैया सबसे पहले यहाँ पे चला रहे थे, तो उस समय हम लोग का हमारा ये था कि यहाँ पे पढ़ा रहे थे लड़की लोगों को, हमको भी पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाने के क्रम में मैथ में बहुत कमज़ोर भी थे, तो हम सोचते थे मैथ अगर कर लेते हैं, कहे कि हरदम कम नंबर आता था मेरा, तो हम पहले सोचते थे कि यहीं पर हम पढ़ेंगे, इनसे मदद लेंगे और आगे पढ़ के हमको ज़रूर ये सफलता मिलेगी। तो वो आते थे पढ़ाते थे हम लोगों को, जब मैट्रिक पास कर गए तो फिर वो हमको अनौपचारिक स्कूल दिए, तो उनसे हमको बहुत ही मिला प्रेरणा। और इतना हम बीच बीच में ऐसा भी नौबत आता था कि हम घर में नहीं चल पाता था, बहुत टेंशन होता था, तो कहीं सोचते थे रोड का काम में चले जाएंगे, कहीं चले जाएँ काम करने के लिए, लेकिन ज्ञान भी हमको बराबर मार्गदर्शन देते आए कि नहीं अच्छा नहीं है, तुम लोग अच्छा से तुम पढ़ो और चलेगा, अच्छा से चलेगा। तुम पढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रेरित किए और अच्छा से समझाने लगे हमको, हरदम अपना निराशा जिंदगी हम जी रहे थे तो वो मार्गदर्शन देते गए हमको। आपने शादी भी कर लिया है, एक परिवार है, बच्चे हैं, तो कैसा लगता है? शादी होने के बाद थोड़ा सा हम जैसा चाहते थे पूरा हम स्वतंत्र पूर्वक काम करेंगे वैसा नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा है, पति है, परिवार ऐसा हो गया है कि अब वैसा जैसा चाहते थे पहले, तुरंत निकले, तुरंत यहाँ गए, वहाँ प्रोग्राम दिए, यहाँ किए, अब बहुत ही हमको मुश्किल लग रहा है, घर परिवार बच्चा इधर देखना, मतलब चिंता मैंने घर तरफ आ जाता है। तो वो चीज़ हम पहले स्वतंत्र पूर्वक चाहते थे काम करें वैसा नहीं कर पा रहे, वो हम चिंता हो गया कि क्यों हम शादी किए पहले, पहले ऐसा सोचते हैं। कि अपना अपना लेवल जो है जिला से लेके सतत शिक्षा केंद्र तक, जिला से लेके प्रखंड, प्रखंड से लेके नोडल, नोडल से लेके सतत शिक्षा केंद्र पे हम लोग को बैठक का डेट तय हो चुका है। हम लोग का महिलाओं का अलग से विभिन्न गतिविधि जो महिलाओं का है उसमें संचालित करना है और अपना अपना गतिविधि जो डेट है उसके अनुसार कीजिएगा। दूसरा चीज ये निर्णय हुआ कि अगर बैठक में कोई साथी नहीं आ रहे हैं उसके लिए भी आप लोग पहल कीजिएगा, अपना अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। चौथा चीज जो निर्णय हुआ, जो 3 महिलाओं का कार्यक्रम है, जो बचत स्वास्थ्य समूह, दूसरा है माँ बच्चों का स्वास्थ्य, तीसरा है किशोरी स्वास्थ्य। सेरे मारिला मला जियन गदादा, सेरे मारिला मला
जियन गडदा अनासा नुआसा ते नांगे रहा ताला ते तू कना हो हनासा नुआसा ते नांगे रहा ताला ते तू कना हो। बहुत सुंदर आकाश है, बहुत सजा हुआ है और पूरा पृथ्वी में जीवन पानी बह रहा है। बहुत ही सुंदर गाना है। कौन सी भाषा में ये गाना? संथाली से गाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप और शीला के रिश्ते कैसे हैं? मेरा वो ननद है, हम भाभी हैं उसके। मेरी ननद थी, अपनी ननद जो है, अपनी ननद और शीला दोनों साथ में पढ़ती थी टुंडी हाई स्कूल में, तो वो दोनों में दोस्ती थी पूरा। तो जब मेरी ननद बोलती थी कि भाभी वहाँ मेरी एक ठो दोस्त है, तो हम बोले ठीक है हम भी मिलेंगे उससे। तो उससे इसके साथ मिलाई हमको शीला, इसके साथ मिलाई मेरी ननद। तो बोले तब से, तब तो मेरा ननद का शादी हो गया, शादी हो गई तो इसके बाद ये अकेले पड़ गए। तो वो मेरे साथ, मैंने बोले भाभी अभी हम आपके साथ ही काम करेंगे। जैसे साक्षरता में तो 1994 से जुड़े हैं, हम तो यहाँ के बहू बेटे हैं ना, तो अपना घर है। तो जैसे हम पहले पहले थोड़ा शर्माते थे, कहे कोई भी नहीं निकलते थे, और हम भी हॉस्टल में पढ़े हुए थे, इसलिए हम बोलचाल में तो बोलते हैं, गाँव वाले बहुत कोई से बोलते हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा बाहर निकलने में, मेरे साथ कोई नहीं रहता, अकेले निकलने में थोड़ा हमको शर्म लगती थी। तो फिर भी हम निकलते थे, ऐसा हल्का फुल्का हटिया भी जाते थे, कहीं भी ऐसा हमको कहीं पर बुलाएगा तो हम जरूर जाते थे। हम लोग मैंने एकदम क्या बोलेंगे, एक परिवार के जैसा ही है, अंतर तो नहीं लगा है ऐसा। अरे यार कहाँ थी तुम, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यार। इतना परेशान क्यों हो रहे हो अमित भाई? मैं शीला की दोस्त लुईस से मिलने गई थी। लुईस? हाँ। ओ, यानी अब तुम अकेले ही काम करना चाहती हो? कमाल की बात है अमित। अरे भाई जब तुम्हें मौका मिले तुम काम कर लो, और जब मुझे मौका मिले मैं काम कर लूंगी। हम यहाँ पिकनिक मनाने तो आए नहीं है, और हमें अपना काम भी जल्दी खत्म करना है। क्या बताया लुईस ने? बहुत सी बातें, और उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर सिंथाली गीत सुनाया। सिंथाली गीत? हाँ सिंथाली गीत। बहुत खूब, और क्या बताया उसने तुम्हें? बहुत सी बातें अमित। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ की औरतें अपने काम को लेकर के बहुत गंभीर हैं। अच्छा। शिक्षित होने के बाद ये औरतें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, और इनकी ये कोशिशें कामयाब भी हो रही हैं अमित। सचमुच शिक्षा ने इन्हें एक नई दिशा दी है, पर क्या इनके मर्द इन्हें रोजगार कमाने की इजाजत देंगे? नहीं अमित, लुईस ने मुझे बताया कि जब ये औरतें अपने मर्दों को समझाती हैं कि उनका घर से बाहर निकलना परिवार की बेहतरी के लिए गलत नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाते। फैंटास्टिक, पर मुझे विश्वास नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो इस समाज की किस्मत अपने आप ही बदलेगी। चले हम लोगों ने वहां सैया का सिलेक्शन किया, जिसमें सैया गांव की बहू हो या कोई विधवा महिला हो, ऐसे लोगों को हम लोग गांव की सैया का सिलेक्शन किए हैं। और कुल हम लोग 2047 सैया का चुनाव करके हम लोग सिविल सर्जन धनबाद को उपलब्ध करवा दिए हैं उनका सीडी, और उनका अगला जो एजेंडा है वो एजेंडा वो दिसंबर के अंत तक वो तमाम सैया को प्रखंड वार वो ट्रेनिंग देगी। और ट्रेनिंग जो है वो महीने 30 दिन का ट्रेनिंग होगा, लेकिन कंटिन्यू ट्रेनिंग नहीं होगा, बल्कि 2 दिन और फिर 5 दिन, और इस तरह से उसका 30 दिन का ट्रेनिंग होगा। और ट्रेनिंग के बाद सभी सैया को निकट के स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र में मिलके उनको काम करना है। जैसे जैसे प्रचार भी तो धीरे धीरे हो रहा है, और हमारे सीसी सेंटर में और एनसी सेंटर में प्रचार कर रहे हैं लोग, और चूंकि आर्थिक अभाव भी है लोगों के पास, धीरे धीरे लोग पैसा भी जुगाड़ फील लग रहा है, और पैसा जुगाड़ करने के बाद ही तो इसमें जो नामांकन करा सकते हैं, तो अभी प्रचार प्रसार हो रही है। अब आगे और कितना टारगेट है आपका? 2010 में हम इसको अचीव करना चाहते हैं, अपने अपने लिए हमने टारगेट फिक्स किया है। तो आज के बैठक में हम लोग ये सब निर्णय के बाद फिर हम लोग सेकेंड हाफ में बैठते हैं। अच्छा, आपकी शीला जी से शादी कब हुई? 5 जनवरी 2005 को। एक छोटा सा और एक प्यारा सा सवाल जी। शीला जी साहब जब पहली बार मिले थे तो आपके मन में क्या हुआ था? पहली बार तो क्या, हम फर्स्ट ही बार आए थे, जो 28 नवंबर 2004 की बात है।
फर्स्ट बार आए इस तरह शाम के समय आए तो शाम को तो उतना दिखा नहीं, अंधेरा ठंडा का मौसम था तो दिखा नहीं, सब अंदर ही थे। तो फिर सुबह सुबह हम लोग जब देखे तो नाश्ता के रूप में रोटी वोटी लेते, लाई सब्जी रोटी भुजिया। तो ऐसे तो हम डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं देखे, हम तिरछी तिरछी नज़र से देखे लिए थे हमको तो शर्म से, मैंने हम उसको देख नहीं रहे थे। ये देखे उसका हाव भाव से अच्छा लगा, उसका सहनशीलता भावुकता ये सब देखने को मिला तो अच्छी लगी, उसका मोटिव भी अच्छा लगा, इसलिए हम हाँ कर दिए। आपको पता था कि वो साक्षरता के साथ जुड़े हैं? वो बोले कि महिलाओं के विषय में ज़्यादातर हम काम करते हैं, महिला को समझाना है, शिक्षित करवाना है, किस किस तरह से आगे बढ़ना है उसके विषय में वो बताती है। आदिवासी समाज में क्या क्या समस्याएं हैं और आपको क्या लगता है कि उन्हें दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे तो प्रॉब्लम तो बहुत है हमारे आदिवासी समाज में, अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी तक बने वो आगे बढ़ने का कोशिश नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि हम जहाँ हैं वहीं रहें, उससे आगे हम ना बढ़ें। उसको चाहिए कि हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ के कुछ करें, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का रोशन करें, अपने समाज का नाम को रोशन करें। तो ऐसा लोग नहीं सोचते, अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो उतना आगे के विषय में नहीं सोचते। आप शीला के साथ एज अ हस्बैंड वाइफ जी क्या बातें करते हैं? शीला के साथ तो हमारा अच्छा फेलोशिप है, मैंने इससे कोई मनमुटाव नहीं है उसके साथ। कभी कभी जैसे वो जाती है तो बच्चा दो दो छोटा है, 2 साल का है, 1 ढाई महीने का है, अब लेट से आती है तो थोड़ा परेशानी हो जाता है, रोने लगता है बच्चा, तो दोनों को संभालना पड़ता है। तो फिर उसी में गुस्सा लगता है, भाई दोनों बच्चा रो रहा है तो हम किसको संभालेंगे, बड़ा वाला को संभालेंगे या छोटा वाला को? तो उसी में थोड़ा बहुत गुस्सा उसे कुछ कुछ बोल देते हैं तो थोड़ा भावुक टाइप की तो रोने लग जाती है। और आप शीला जी को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं भविष्य में? हम चाहते हैं कि वो हमसे आगे निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे खुशी होगा कि हमारा नाम भी लोग जानेंगे, इसके साथ साथ मेरे माता पिता का भी नाम जानेंगे कि चलो एक लड़का का वाइफ तो अच्छा काम कर रही है, अच्छा नाम रोशन कर रही है, हम सब उन लोगों को भी लोग जानेंगे। हम दोनों इस गांव में बहुत घूमे, बहुत औरतों से मिले, लेकिन वो सभी आपका नाम बड़े प्रेम से लेती हैं, ऐसा क्या जादू किया है आपने? कोई बीमार रहेंगे या कोई ऐसा घटना घटता है तो थोड़ा देर के लिए हम जरूर जाते हैं वहाँ पे, और जितना भी हमसे मदद हो वो करते हैं, पैसा से नहीं लेकिन उनका रास्ता जरूर बताते हैं, ये करना है ऐसा करने से अच्छा होगा, यहाँ तक पहुँचा देते हैं जो सुविधा है वहाँ तक। अच्छा, एक महिला होने के नाते एज ए लीडर आपको देश का, परिवार का, समाज का कैसा भविष्य दिखता है? समाज में एक होगा कि हम लोग का एक मान सम्मान एक दिन जरूर होगा, और आज भी के दिन भी हो रहा है, कहीं भी हम लोग का कोई बैठक उठक होगा पंचायत में या समाज में तो जरूर नाम गिनती में हम लोग बोलेंगे आना है हम लोगों को। तो पहले ये चीज़ नहीं था कि एक तो पुरुष और महिला के बीच में बैठने को भी नहीं मिलता था, आज के दिन में वहाँ हम लोग को बैठने को मिल रहा है, मान सम्मान हम लोग से पूछा जा रहा है, हम लोग भी बोल रहे हैं ये चीज़ होना चाहिए। हम सोचते हैं कि एक तो पंचायत राज आता है तो उसमें हम नहीं भी खड़ा होंगे तो कम से कम जो महिलाएं हम देख पा रहे हैं हर टोला में हमारी बहनें हैं, जो आज के दिन में उनको पहचान भी बन गई है, पहचान समाज में है उनका, तो उन लोग कम से कम वार्ड मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर, वो कम से कम उन लोग खड़ी हो जाए।